क्लास फिफ्थ है, यूनिट टू। इस यूनिट का नाम है ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स और इसकी पहली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, फर्स्ट से लेके फोर क्वेश्चन तक पहले करते हैं हम। इन सब क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, एडिशन करनी है। एडिशन मतलब प्लस करना आपने। तो आप छोटी क्लासों में भी सीख के आए हो प्लस कैसे किया जाता है। चलो कुछ पार्ट करते हैं। 8 + 2 कितना होता है, 10। यह है ना 10। तो क्या लिखा जाता है, जो वंस प्लेस पे डिजिट आता है उसको लिखा जाता है, और ये जो है ये कैरी ओवर चला जाता है। तो 8 + 2 कितना आया, 10 आया। तो 10 का क्या आएगा, 0। कैरी ओवर कितना आ गया, 1। अब जब आपने क्या करना है, इनको प्लस करना है, 7, 0 को प्लस करना है, तो आपको कैरी ओवर भी लेना पड़ेगा। 7 + 0 कितना हो गया, 7, और 7 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 8। 8 पूरे का पूरा ही आया, कोई कैरी ओवर नहीं आया, ठीक है। अब टर्न आई इसकी 8 और 6 की। 8 + 6 करेंगे हम कितना होता है, 8 + 6 किया तो कितना हो गया, 14 आया, ठीक है। तो 14 का क्या आएगा, 4 आएगा, और कैरी ओवर कितना आ गया, 1 आ गया। समझ आ रही है ना बात। अब जब आपने 7, 6 को ऐड करना तो कैरी ओवर भी लेना है, कैरी ओवर भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो 6 + 7 कितना होता है, 13। 13 + 1 कितना हो गया, 14। 14 का 4 आएगा और ये कैरी ओवर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, 5 + 2 7, और 7 में आपने 1 कैरी ओवर भी प्लस करना है। 5 + 2 7 + 1 कितना हो गया, 8। कोई कैरी ओवर नहीं आया तो ये 8 आ गया। अब आगे इनको प्लस करना है, 9 + 8 कितना होता है, 9 + 8 होता है 17। 17 का क्या आएगा, 7, और कैरी ओवर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी 3, 2 को जब प्लस करोगे तो कैरी ओवर भी साथ में आपने ऐड करना है। 3 + 2 कितना होता है, 5 + 1 कितना हो गया, 6। अभी कोई कैरी ओवर नहीं आया है तो यहाँ पे कोई कैरी ओवर नहीं लिखेंगे हम। 6 + 6 कितना होता है, 12। 12 का 2 आया और कैरी ओवर कितना आ गया, 1 आ गया। अभी 2 + 1 3 + 1 कितना आ गया, 4। तो ये एडिशन का आंसर आ गया है। आई बात समझ। ऐसे ही एक पार्ट और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ही ले लेते हैं, या क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करना, इसको खुद आपने ट्राई करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6, 5 और 7 को प्लस करना है। 6 + 5 कितना होता है, 11। 11 + 7 कितना होता है, 18, ठीक है। 18 का कितना आएगा, 8, और कैरी ओवर कितना बना, 1 बना। अभी इन सबको प्लस करना है, किस किस को, 9, 7, 5 और 1। 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 + 7 कितना हो गया, 17। एंड 17 + 5 कितना हो गया, 22। 2 आया और कैरी ओवर भी कितना आया, 2 आया, क्योंकि ये 22 आया था ना, ऐसे ये 2 लिखा और ये कैरी ओवर कितना आ गया, 2 आ गया। अब इन सबको प्लस करना है और कैरी ओवर को भी लेना है। 7 + 3 कितना हो गया, 10 + 2 कितना हो गया, 12। 12 और 6 कितना होता है, 18। 18 का 8 आ गया, कैरी ओवर क्या आ गया, 1 आ गया। अब करेंगे हम इनको, 4 + 5 9 + 1 10। 10 में हमने क्या करना है, 8 प्लस करना है। 10 में 8 प्लस किया तो कितना आ गया, 18। 8 आया और 1 कैरी ओवर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आप प्लस करोगे, 9 + 1 कितना हो गया, 10। 10 + 2 कितना हो गया, 12। 12 और 4 कितना हो गया, 16, ठीक है। तो 16 का कितना आएगा, 6 आ जाएगा। मैं इसको एक बार दोबारा चेक करूँगा, 9 + 1 कितना हो गया, 10 + 2 12 + 4 16, 6, और 1 कितना आ गया, कैरी ओवर आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। 9 + 1 कितना हो गया, 10 + 8 18। 18 और 6 हो गया 24। 24 का 4 और 2 कैरी ओवर आ गया। अब इनको प्लस करना है, 6 + 2 कितना हो गया, 8। 8 + 2 कितना हो गया, 10। 10 का कितना आया, 0 और 1 कैरी ओवर। फिर 8 + 1 कितना, 9 + 1 10, क्योंकि अब आगे डिजिट खत्म हो गए हैं, अब कोई कैरी ओवर नहीं, अब पूरी की पूरी टर्म जो है वो आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद से ट्राई करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक था। तो इनको आपने सारे पार्ट्स को अपनी कॉपी पे
नोट करना है, जो पार्ट मैंने छोड़े हैं उनको खुद करना है आपने, ठीक है? ओके।